हिमाचल में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जिलों में अलर्ट न होने के बावजूद भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में रविवार को भी भारी बारिश हुई। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर मानसून की हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं बादलों के बरसने से कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक बारिश से राहत मिलने का अपडेट दिया है। वहीं मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक बारिश से 61 सड़कें, 1 NH अभी भी बाधित है। इसके अलावा 11 विद्युत ट्रांसफार्मर और 1 पानी की परियोजना ठप पड़ी हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान ऊना में 5 सेंटीमीटर, मंडी के गोहर में 4 सेंटीमीटर, बैजनाथ में 3, कुफरी में 2, किन्नौर के सांगला में 2 सेंटीमीटर, शिमला के जुब्बड़हट्टी में 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर तक प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है और लोगों से भूस्खलन वाले क्षेत्रों में न जाने के साथ साथ नदी नालों की तरफ न जाने की अपील की है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जिलों में अलर्ट न होने के बावजूद भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में रविवार को भी भारी बारिश हुई। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर मानसून की हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं बादलों के बरसने से कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक बारिश से राहत मिलने का अपडेट दिया है। वहीं मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक बारिश से 61 सड़कें, 1 NH अभी भी बाधित है। इसके अलावा 11 विद्युत ट्रांसफार्मर और 1 पानी की परियोजना ठप पड़ी हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान ऊना में 5 सेंटीमीटर, मंडी के गोहर में 4 सेंटीमीटर, बैजनाथ में 3, कुफरी में 2, किन्नौर के सांगला में 2 सेंटीमीटर, शिमला के जुब्बड़हट्टी में 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर तक प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है और लोगों से भूस्खलन वाले क्षेत्रों में न जाने के साथ साथ नदी नालों की तरफ न जाने की अपील की है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।